प्रशांत किशोर जी क्या कहते हैं, जैसे ही हमारी सरकार आएगी तो एक घंटा में शराब खुलवा देंगे। यानी 2 तारीख को जन शराब पार्टी की स्थापना करेंगे, जन स्वराज की नहीं करेंगे, जन शराब पार्टी की घोषणा करेंगे। प्रशांत किशोर के जो लोग हैं वो सब किराए के लोग हैं, किराए के लोग कब तक टिकेंगे? अति पिछड़ा समाज की आबादी 40% है, 40% आबादी होने के बावजूद भी इस समाज का विकास नहीं हो रहा है। आज जिस तरीके से बिहार में क्राइम का बोलबाला है, मर्डर, लूट, अपहरण हो रहा है, इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए विश्वकर्मा समाज के लोगों को आवाज़ देने के लिए, दलित समाज को आवाज़ देने के लिए, अति पिछड़ा समाज को आवाज़ देने के लिए हम लोग रथ यात्रा निकालेंगे। भारतीय विश्वकर्मा महासंघ की आज बैठक की गई है और यहाँ पे स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। हमारे साथ गणतांत्रिक समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मुकुल आनंद जी हैं। सर, आज बैठक का क्या कुछ उद्देश्य है? बैठक में पूरे बिहार के विश्वकर्मा समाज, अति पिछड़ा समाज और दलित समाज को एकत्रित कर हम लोग आगे की रणनीति बना रहे हैं और संगठन का विस्तार किया गया है। आज हमारे भारतीय विश्वकर्मा महासंघ का 5वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर बिहार के कोने कोने से, हर जिले से हमारे कार्यकर्ता आए हुए हैं और हम लोग अब 2025 के चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। हम लोगों ने अपना पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, गणतांत्रिक समाज पार्टी, गणतांत्रिक GSP। GSP के माध्यम से पूरे बिहार में 243 विधानसभा पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, उसी की रणनीति बनाई जा रही है। आज हमारे नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर शैलेंद्र प्रजापति जी, हमारे महासचिव बनाए गए हैं संजीव पोद्दार जी, और बाकी टीम का गठन किया गया है। अब हम लोग पूरे बिहार का दौरा करके अति पिछड़ा समाज को, विश्वकर्मा समाज को, दलित समाज को, सब लोगों को एक साथ लाके और 2025 में हर विधानसभा पर चुनाव लड़ा जाए, इसकी तैयारी के लिए हम लोग रथ यात्रा निकालेंगे। हर जिला में जिला सम्मेलन करेंगे, कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे और जिला कमेटी के विस्तार के लिए, प्रखंड कमेटी के विस्तार के लिए हम लोग पूरे बिहार में काम कर रहे हैं और सारा संगठन काम करेगा। चूँकि हम लोग देख रहे हैं कि एक तरफ NDA की सरकार है, एक तरफ एक UPA की है और बिहार में तो डबल इंजन की सरकार है, ये सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे अति पिछड़ा समाज की आबादी 40% है, 40% आबादी होने के बावजूद भी इस समाज का विकास नहीं हो रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरीके से दलितों के लिए एग्रो सिटी एक्ट बनाया गया है, कम से कम अति पिछड़ों के लिए भी एग्रो सिटी एक्ट बनाया जाए, कम से कम उनको हमको लाभ न दे लेकिन एग्रो सिटी एक्ट बना के उसके तहत लाने से कम आज जो अति पिछड़ा समाज पर अत्याचार हो रहा है वो कम होगा। इसलिए आज जिस तरीके से बिहार में क्राइम का बोलबाला है, मर्डर, लूट, अपहरण हो रहा है, इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए विश्वकर्मा समाज के लोगों को आवाज़ देने के लिए, दलित समाज को आवाज़ देने के लिए, अति पिछड़ा समाज को आवाज़ देने के लिए पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं को आकर यहाँ पर हम लोग संबोधित कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि लोगों को संगठित करें, लोगों को एकजुट करें और समाज को आगे ले जाएं और 2025 की तैयारी में जुट जाएं। एक और नई पार्टी बनने वाली है सर, 2 तारीख को जन स्वराज, प्रशांत किशोर की, कैसे देखते हैं? 2 तारीख को क्या होता है, गांधी जी का क्या है वो जन्मदिन, तो गांधी जी के जन्मदिन पे जन स्वराज पार्टी का गठन होगा। या और जब प्रशांत किशोर जी क्या कहते हैं कि हम जैसे ही हमारी सरकार आएगी तो एक घंटा में शराब खुलवा देंगे, यानी 2 तारीख को जन शराब पार्टी की स्थापना करेंगे, जन स्वराज की नहीं करेंगे, जन शराब पार्टी की घोषणा करेंगे। आज शराब बिहार में बंद है तो कम से कम उससे सुख शांति चैन तो है, बिहार की महिलाएं कितना खुश है, क्राइम उस वजह से बहुत जगहों पे कम दिखता है। इसलिए प्रशांत किशोर के जो लोग हैं वो सब किराए के लोग हैं, किराए के लोग कब तक टिकेंगे? कह रहे 1 करोड़ लोगों का सदस्य जोड़े हैं, 1 करोड़ लोग आएंगे। 1 करोड़ लोगों को वास्तविक सदस्य कितने हैं? ये सब किराए के लोग हैं, किराए का चीज़ ज़्यादा दिन नहीं चलता है, चाइना का माल कितना दिन चलता है, वो तुरंत टूट फूट के खत्म हो जाता है।
मानते हैं प्रशांत? हम कहे उनको कंपटीटर, हमारे पूरे बिहार के लोग जो रियल में अति पिछड़ा हैं, दलित हैं, वो सब हम लोगों के साथ हैं और हम लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। देखिए पूरे बिहार से लोग आए हुए हैं, हर कार्यकर्ता एकदम अपने आप को तैयार करके रख रहा है कि 2025 में हम लोगों को हर विधानसभा चुनाव लड़ना है, 243 सीटों पर लड़ना है और लड़वाना है। गठबंधन नहीं किया? कोई गठबंधन नहीं। मैं आज से ही, पहले भी मैं काम कर रहा था, लेकिन आज से मैं दोगुनी ऊर्जा से काम करूंगा और अपने इस संगठन को जिला से लेकर प्रखंड, प्रखंड से लेकर पंचायत, पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक ले जाऊंगा और अगले विधानसभा चुनाव में हमारी स्थिति काफ़ी मजबूत रहेगी और हम कड़ी टक्कर देंगे। इसके लिए मैं पूर्ण रूप से संकल्पित हूं और मैं पूरा पूरा ध्यान दूंगा इस काम पर। तमाम मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूं। आज माननीय हमारे राष्ट्र अध्यक्ष मुकुल आनंद जी ने लगातार आज पिछले 6-7 वर्षों से जोरदार आंदोलन कर हमारे विश्वकर्मा समाज और अति पिछड़ा समाज को नई दिशा और दशा दी। उस कड़ी में आज स्थापना दिवस के समारोह अवसर पर हमारे नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र बाबू को हम लोग सर्वसम्मति से चुने हैं और जहां तक आने वाला चुनाव का सवाल है 2025, वह विश्वकर्मा वंशज का होगा। इसलिए होगा कि आज़ादी के बाद आज दिन तक किसी भी राजनीतिक दलों ने हम लोगों को एक भी वोट टिकट नहीं दिया, सिर्फ हम लोगों से वोट लेने का काम किया। पूरे बिहार के अति पिछड़ा समाज और विश्वकर्मा समाज ने यह निर्णय लिया है, इस बार हम लोग भी उनको आईना दिखाने का काम करेंगे और हम लोग पूरे मुस्तैदी के साथ पंचायत स्तर से लेकर हम लोग जो है गांव-गांव का दौरा कर फिर हमारा रथ यात्रा निकलेगा और एक जुनून और एक जोश के साथ सारे युवा और महिला हम लोगों के साथ है जो लगातार हमारे समाज के ऊपर लूट अपहरण शोषण दोहन हो रहा है, इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। आज दिन तक उन्होंने हमारे समाज के महिलाओं और बच्चों के प्रति तनिक भी ध्यान नहीं दिया। अगर आज दिया रहता आज यह स्थिति हम लोगों के बीच नहीं होती। उन लोगों ने जो हम लोगों को समझ रखा कि सिर्फ यह वोटर है, तो आज इस मंच से हम लोग आगाज करना चाहते हैं कि हम वोटर नहीं हैं, हमसे तुम हो, तुमसे हम नहीं। आओ गिन के देख लो, विश्वकर्मा समाज भी किसी से कम नहीं। इसलिए हम लोग पूरे हिंदुस्तान में यह परचम फहराने का काम करेंगे।